आज हम पलाजो पजामू बनाएंगे, तो 11 साल की बच्ची के लिए पलाजो पजामू बनाएंगे। तो उसका हम जैसे ये 1 मीटर कपड़ा है और ये इंच टेप लगेगा कैंची और ये मार्क करने के लिए स्केच और ये हमारा उसका नाप है। तो उसकी लंबाई है 34 है और कमर की है 26 है। जैसे इसमें लंबाई और कमर की चौड़ाई का ही नाप लेना है। तो ये प्लाजो जामा कैसे बनेगा, कैसे कटिंग होगा, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा कपड़ा है, इसके लंबाई नापनी है और इसकी चौड़ाई, चौड़ाई तो जैसे जितना भी अर्जो उसको हम फूल लेंगे, उसमें हम लास्टिक डालेंगे तो लास्टिक में फोल्डिंग हो जाता है। तो लंबाई हमारी 34 है, उसमें हम 4 इंच ज़्यादा लेंगे, प्लास्टिक डालेंगे 2 इंच ऊपर लगेगा और 2 इंच होल्डिंग के लिए ऊपर लगेगा, 2 इंच नीचे लगेगा, 4 इंच ये हुआ और 5 इंच जैसे 1 इंच हमारा सिलाई के लिए, तो 5 इंच हम इसमें ज़्यादा लेंगे लंबाई से। तो 5 इंच हम ज़्यादा लेंगे, तो ये होगा 39 इंच। ये हमारी इसकी लंबाई नापते हैं, ये लंबाई हमारी 39 है। तो 39 है, ये बहुत ही ईजी बनाना। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें जैसे कपड़े को, ये हमारा कपड़ा है, इसको हम जैसे डबल फोल्ड में है, पहले हमने डबल फोल्ड किया उसके बाद हम चौकून में फोल्ड कर लिया, ऐसे ये चौकून में फोल्ड कर लिया। तो यह हमारी तरफ ये बंद साइड है और इस साइड ये खुली साइड है, ये चौकून में फोल्ड होगा। तो चौकून में फोल्ड होने के बाद अब हम इसमें आसन कितना लेना है और इसमें जैसे नीचे का भाग कितना लेना है, आसन कितना कटिंग करना है, फोल्डिंग के लिए हम 2 इंच पहले दिए चुके हैं। तो सभी को जैसे फोल्डिंग हुई इसी में लगेगा और लंबाई भी सभी का जब फुल लंबाई लेके और उसको हम 3 फोल्ड कर लें, जैसे 1 फोल्ड हुआ ये डबल फोल्ड, जैसे एक बार फोल्डिंग ऐसे किया और फिर ऐसे इसकी बराबर 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 3 बार फोल्डिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारा 3 बार, जैसे 3 बार ऐसे, एक बार किया ये 2 बार है या 3री बार, 3 बार ऐसे फोल्डिंग कर लिया। अब हमें इसका 1 फोल्डिंग का नाप लेंगे, ये हमारा 13 इंच है, 13 इंच इसका नाप है। तो हम 1 फोल्डिंग छोड़ देंगे ऊपर की साइड में और 2 फोल्डिंग हम नीचे रखेंगे। ये हमारा 13 इंच पर हम निशान लगा देंगे, ये हमारा आसन होगा। जितनी भी लंबाई है उसका आप 3 फोल्डिंग करके 1 फोल्डिंग का आसन करेंगे और 2 फोल्डिंग हम नीचे लंबाई की तरफ रखेंगे। ये देखिए ये हमारा 13 इंच है, 13 इंच हम इसमें आसन लेंगे, इसमें ऊपर की तरफ फोल्डिंग भी हो जाएगा और आसन भी बचेगा। अब हम 2 फोल्डिंग को नीचे लंबाई की तरफ कर देंगे, 2 फोल्डिंग नीचे हो गई, 1 फोल्डिंग का हमने आसन लिया है। अब हम इसमें ये खुली साइड है, ये खुली साइड है, इस तरफ हम 1 इंच लेंगे, 1 इंच लेंगे और 1 इंच को फिर हम ऐसे यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे ऊपर की तरफ। ये ऐसे मिला दिया, ये ऊपर की तरफ मिलाया। अब हम इसमें गोलाई देंगे ऐसे, ऐसे ये गोलाई दी, ये हमारा आसन की होगी। अब हम नीचे आसन की तरफ मोहरी कितनी रखनी है, इसमें हम प्लाजो पजामा है तो हम फुल मोहरी रखेंगे, इसका फुल साइज है ये, नीचे की तरफ जितना भी है घेरा उसको हम फुल साइज रखेंगे। ये हमारा 11 इंच का है, तो 1 इंच इसमें सिलाई में चले, 10 इंच इसमें फूल बचेगा। तो ये हम इसमें किनारी पे कटिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये है यहाँ से और यहाँ तक हम ऐसे मिला देंगे, थोड़ा थोड़ा कटिंग करेंगे।
ये हमारी कटिंग होगी। अब हम इसमें यहाँ से यहाँ कटिंग कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कटिंग करेंगे और ये आसन का यहाँ से कटिंग करेंगे। और ये हमारा 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए लिया था जो इसमें लास्टिक डालेंगे। ये हमारा 2 इंच फोल्डिंग का ये निशान लगाते हैं। ये 2 इंच हमारा फोल्डिंग का होगा। अब आसन कितना बचा है, ये 11.5 इंच, 11 इंच इसमें आसन बचा है, आधा इंच इसमें सिलाई चल जाएगा। ये देखिए ये हमारा 11 इंच इसमें आसन बच का वो फोल्डिंग का हो गया। अब हम इसमें यहाँ से कटिंग करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे और ये आसन का, और ये हम थोड़ा थोड़ा जैसे साइड का थोड़ा सा ये कटिंग करेंगे। तो ये हम कटिंग करते हैं, ये देखिए हमारी कटिंग हो गई। ये हमारा आसन है 11 इंच, 11 इंच आसन है, 2 इंच ये फोल्डिंग के लिए, ये 2 इंच हमारा फोल्डिंग के लिए, और ये नीचे का घेरा हमारा 10.5, ये हमारा 10.5 इंच है, ये 10.5 इंच है यहाँ से यहाँ तक का ये मोरी, और ये नीचे वाली मोरी हमारी 10 इंच की, जो ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारी 10 इंच की है। ये हमारी 10 इंच की है। तो ये हमारा प्लाजो पजामा कटिंग तैयार हो गई। अब इसको सिलाई कैसे करना है बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इलास्टिक का, इलास्टिक आप इसमें बाद में भी डाल सकते हैं, यहाँ से कटिंग करके यहाँ से छोड़ना है और यहाँ से यहाँ तक की सिलाई करनी है आसन की, यहाँ से यहाँ तक की सिलाई करनी है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की सिलाई करेंगे दोनों साइड से ये सिलाई करेंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ये देखिए एक बाजू ही दूसरी बाजू ही। तो ये हम ये नीचे का पल्लू है इसकी यहाँ से यहाँ तक सिलाई हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक सिलाई होगी, दूसरे की ऊपर वाले की यहाँ से यहाँ तक सिलाई होगी। अब ये हुई हमारे पैर की बाजू नीचे की, फिर ये सीधी सिलाई यहाँ से यहाँ लगेगी और ये नीचे का फोल्डिंग 2 इंच ऐसे कर लेंगे, ये फोल्डिंग करके और हम ये साइड की सिलाई लगा लेंगे, यहाँ साइड की सिलाई लगाएंगे और नीचे का फोल्डिंग करेंगे। तो ये हमारा प्लाजो पजामा तैयार हो जाएगा। तो सिलाई करते हैं, पहले ये सिलाई करेंगे दोनों बाजू की, ये आसन की, उसके बाद हम इलास्टिक की और ये बाजू की। ये देखिए ये पूरी सिलाई होगी साइड की और ये नीचे की मोरी की। अब हम इसमें इलास्टिक डाल लेंगे, ये इलास्टिक डालने के लिए हमें पहले निशान लगाया था। तो ये हमारा इलास्टिक है, इसको हम ऐसे रखेंगे, इलास्टिक हमें आधा लेना है जिसकी चौड़ाई है। अब ये हमारा जितनी भी चौड़ाई है उससे हमें आधा लेंगे, ये हमें आधा ले लिया, एक पीस यहाँ से एक बाजू छोड़ दिया, एक बाजू जितना हमें इलास्टिक लिया है इसको खींचने के बाद ये ऐसे बढ़ेगा। तो हम ऐसे रखेंगे इसको, ऐसे रखेंगे ये, इसके ऊपर ऐसे फोल्डिंग होगा, यहाँ सिलाई लगाएंगे एक और फिर हम इसको ऐसे खींचते जाएंगे और इसको ऐसे इसके नीचे ऐसे फोल्डिंग करके और इसको खींचते जाएंगे। कपड़े को नहीं खींचना, इसको खींचना ऐसे, टाइट खींचेंगे उतनी स्लोट इसमें ज़्यादा आएंगी
खींच खींच के लास्ट तक हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा करना है इसको खींच के। ये देखिए ऐसे हम इसमें ऐसे करके एक सिलाई यहाँ लगेगी एक बीच में और एक ये इस किनारी पर, तीन सिलाई लगेंगे। तो इसको पहले खींचना है उसके बाद इसमें इसे सिलाई लगाता है। तो ये पूरा खींच के इसमें लगाते हैं। ये देखिए ये हमारा तैयार होगा पजामू प्लाजो हमारा तैयार होगा। ये पजामू प्लाजो ये हमारा लास्टिक हो गया। ये देखिए हमारा लास्टिक डाल दिया। अब जितनी भी कमर है उसके से आधा हिस्सा हम इसका लास्टिक का लेंगे और उसको खींच के लगाना है। और ये देखिए पड़ेगा फिर ऐसे। ये हमारा पजामू प्लाजो तैयार होगा। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर।